नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाजार से सीखो में। आज मैं आपको बताना हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या करती है फाइनेंशियल मार्केट, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फाइनेंशियल मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लिखा गया है कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है उन लोगों के बीच में जिनके पास बहुत पैसा है और उन लोगों के बीच में जिनको उस पैसे की ज़रूरत है, उनके बीच का जो लिंक है उसी को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन बोरोवर्स एंड इन्वेस्टर, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर जिन्हें हम सरप्लस यूनिट्स भी कहते हैं, जिनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, और बोरोवर्स जो पैसा लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टर से, जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं उनसे पैसा लेना चाह रहे हैं ताकि उस पैसे को यूज़ कर पाएँ और उस पैसे को यूटिलाइज कर पाएँ बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्टिव यूजेज़ में। तो इनके बीच में जो लिंक रहेगा, सहारा रहेगा, वो रहेगा दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट का। तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिख रहा है कि बीच में एक बैंक है। बैंक क्या कर रहा है, लोगों से, घरों से पैसा ले रहा है, हाउस होल्ड से पैसा ले रहा है और उसके बाद उस पैसे को कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में दे रहा है उस पैसे को, ताकि उस पैसे का प्रोडक्टिव यूज़ डेवलप करा जा सके। क्योंकि दोस्तों घर पड़ा पड़ा पैसा डेवलप नहीं होता, बढ़ता नहीं है। उस पैसे को जब फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो पैसा दिन रात बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये बढ़ने का सौभाग्य देने की जिम्मेदारी किसके है, फाइनेंशियल मार्केट की। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगी तो हाउस होल्ड अपना पैसा फर्म्स तक, कंपनीज तक, फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट बीच में एक लिंक बने और गारंटी दे हाउस होल्ड्स की कि तुम्हारा पैसा डूबने वाला नहीं है। बीच में गारंटी लेने वाली कौन है, फाइनेंशियल मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगी तो हाउस होल्ड अपना पैसा नहीं दे सकता किसको, कंपनीज या फर्म्स को। इस बात को ध्यान रख के चलिए। चलिए अब बात करते हैं हमारी जो इम्पोर्टेंस है या जो हमारे पास इसके फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट की, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अर्थात जो पैसा आपके घर में व्यर्थ का पड़ा है, यूजलेस पड़ा है, उसके कोई यूज़ नहीं है, घर पे पड़ा 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 सड़ रहा है, उस पैसे को इकट्ठा करेगा, अलग अलग जगह से इकट्ठा करेगा लालच दे के। फाइनेंशियल मार्केट आपको लालच देता है कि उस पैसे को घर मत रखिए, हमें दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। और उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में लेकर जाएगा। जब ये पैसा बैंक इकट्ठा करने के बाद अच्छे खासे अमाउंट में देगा कंपनीज को, फर्म्स को, तो फर्म इस पैसे को यूटिलाइज करेगी और बेस्ट से बेस्ट इसका प्रोडक्टिव यूज़ करेगी। और प्रोडक्टिव यूज़ करने के बाद ये हमारी इकोनॉमी के अंदर भी बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसी पॉइंट का नाम है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, सबसे अच्छे यूजेस में इस पैसे को लेकर आना। दूसरे पॉइंट का नाम है दोस्तों फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जितनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये सारी सिक्योरिटीज के रेट डिसाइड होते हैं डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। इनकी जो वैल्यू है वो डेली बेसिस पर ऊपर नीचे जाती है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस डिस्कवर करने में जितनी भी हमारी फाइनेंशियल कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, उनके जो प्राइस डिटरमाइन करे जाएंगे वो भी डिटरमाइन होने वाले सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट हमारा जिसका नाम है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। तीसरे पॉइंट का नाम है प्रोड्यूसिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। देखिए लिक्विडिटी का मीन्स होता है कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। अगर आप किसी भी एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को कैश में कन्वर्ट करना चाहें, एसेट देके पैसा लेना चाहें, तो वो भी आपको सिर्फ मिलेंगे कहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट ना केवल आपके जो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, फाइनेंशियल एसेट है उनको खरीदने में मदद करती है, बल्कि उनको बेचने में मदद करती है। आप इसको जब मर्जी बेचना चाहें बेच सकते हैं, एज पर योर ओन नीड, एज पर योर ओन डिजायर, यू कैन सेल देम एनी हाउ एंड एनी टाइम। जब मर्जी बेचना चाहें और जैसे मर्जी बेचना है बेच सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, जब मर्जी बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी जो लिक्विडिटी है उसको कैश में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करेगी, सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल सही सोचा आप, हमारी फाइनेंशियल मार्केट। और लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन सिक्योरिटीज़ में बहुत आसानी से डील कर सकते हैं और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा इन सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। इसीलिए आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी बचा रही है। आपको इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, सिर्फ कहाँ रहना है, फाइनेंशियल मार्केट में। टाइम के साथ साथ ये सारी मार्केट ऑनलाइन होती जा रही है। आज आप एक क्लिक पर जो मर्जी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जो मर्जी बेचना चाहें बेच सकते हैं, जितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं और जितनी बेचना चाहें उतनी बेच भी सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन उसको कम करने में भी सारा क्रेडिट किसको मिलता है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट को।